बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले के चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ सेटिस्फैक्ट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ मूविंग चार्जेस वॉज अराइव्ड एट 1800 AD। बच्चों, 1820 में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसके बाद ही ये सब डिस्कवर हुआ कि मूविंग चार्जेस या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है मैग्नेट के बाहर। बट टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स प्रीडेट्स दिस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बाय 2000 ईयर्स। तो ये सब तो जाके पता चला 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन लोग मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यूज काफी पहले से करते आ रहे थे। लगभग 2000 साल पहले से ही वो मैग्नेट को नेविगेशन में यूज करते थे डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि कोई भी मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आती है इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली। द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है इस तरह से कुछ भी अप्लाई करने के लिए जो डेली लाइफ की चीज़ों को ईजी बना दे। जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा साइंस से पढ़े हुए नहीं होते, फिर भी वो कुछ ऐसे मशीन या ऐसे टूल्स बनाते हैं जो लाइफ को ईजी और बेटर बना देती है। आइडियली साइंस एंड इंजीनियरिंग गो हैंड इन हैंड, वन लीडिंग एंड असिस्टिंग द अदर इन टैंडम। आइडियली देखा जाए तो साइंस और इंजीनियरिंग इस तरह से ही साथ साथ चलते हैं जैसे कि दो पहियों वाली गाड़ी, कि दोनों साथ साथ ही चलेंगे, एक उनमें लीड करेगा और एक असिस्ट करेगा। तो इस पॉइंट से हमको क्या समझ में आया कि साइंस में तो हम नेचुरल फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज की, और इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर मशीन से बनाए जाते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके इंजीनियरिंग में कुछ स्ट्रक्चर मशीन ये सब बनाए जाते हैं। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। बच्चों, लास्ट चैप्टर में भी हमने ये बात की थी कि मैग्नेट कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो उसमें दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक ही पोल हो ऐसा नहीं होता। इफ यू स्लाइस अ मैग्नेट इन हाफ यू गेट टू स्मॉलर मैग्नेट्स। अब एक बड़ी मैग्नेट है, सपोज इस तरह से ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, आपने इसको ऐसे कट कर दिया तो आपको दो छोटी मैग्नेट मिलेंगी जिनमें फिर से नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो अगर हम मैग्नेट को इस तरह से कट करें तो भी उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पोल रह जाएगा, दूसरा पोल दूसरे एंड पे अपने आप जनरेट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो प्लस माइनस चार्ज ऐसे सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे आर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विद वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ऐसे सबसे छोटी यूनिट मानते हैं चार्ज की, कि इतना चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ऑल अदर चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। आपने वहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। क्यू इज इक्वल टू एन ई, कि किसी बॉडी पर अगर क्यू चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो आ गए हैं या उससे चले गए हैं। इन अदर वर्ड्स चार्ज इज क्वांटाइज। तो वही बात हमने कर ली कि ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वी डू नॉट नो वाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट और वाई इलेक्ट्रिक चार्जेस इज क्वांटाइज्ड। अभी तक ये ऐसे क्लियरली नहीं पता चला है कि मैग्नेट में मोनोपोल्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कि मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल ही रहे, और क्यों ऐसा होता है कि चार्जेस ऐसे सेपरेटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। मीन्स चार्जेस तो क्वांटाइज्ड होते हैं लेकिन मैग्नेट के लिए ऐसा नहीं होता।
तो आपको ये सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फैक्ट दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज लूप्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसी का इफेक्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्लोज लूप बनाती हैं, कि किसी भी मैग्नेट में, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूस एंड क्लोज लूप बनाती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स बिगन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज और फेड आउट एट इन्फिनिटी। लेकिन इससे अलग बिल्कुल चार्जेस का बिहेवियर कैसा है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से चलेंगी और कहीं नेगेटिव पर जाकर ये एंड हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो ऐसा मान सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाएंगी और वीक होती चल जाएंगी, वहीं फेड हो जाएंगी। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अ मिनिस्क्यूल डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ काई, क्या होता है काई, ये द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यील्ड्स रेडिकली डिफरेंट बिहेवियर डायमैग्नेटिक वर्सेस पैरामैग्नेटिक। बच्चों ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसकी वैल्यू से एक्सप्लेन हो जाता है कि कोई मटीरियल डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, मीन्स इसकी वैल्यू देख के पता चल सकता है किसी मटीरियल के लिए। फॉर डायमैग्नेटिक मटीरियल काई इज इक्वल टू -10^-5, वेयर काई इज इक्वल टू +10^-5 फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल। तो क्या डिफरेंस है, वो डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। तो एक ये साइन का डिफरेंस है, बाकी वैल्यूज आप देखें तो ये सेम ही है। तो जो डायमैग्नेटिक है वो नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाती है और पैरामैग्नेटिक ये अट्रैक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये था पॉइंट नंबर फोर। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट डायमैग्नेट नेमली अ सुपर कंडक्टर। बच्चों सुपर कंडक्टर आपने सुना ही होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर। मतलब किसी कंडक्टर को अगर कूल करते जाते हैं, ठंडा करते जाते हैं, तो एक टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाते हैं, तो कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक नेमली अ सुपर कंडक्टर। तो अब ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेट। दिस इज अ मेटल एट वेरी लो टेम्परेचर। तो ये अभी हम बात कर ही रहे थे कि लो टेम्परेचर पर ही कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बनता है। इन दिस केस काई इज इक्वल टू -1 और ये रिलेटिव परमेबिलिटी है बच्चों, म्यू आर ये जीरो और परमेबिलिटी इस कंडक्टर के लिए ये भी जीरो। तो सुपर कंडक्टर के लिए अब देखें काई है -1 और माइनस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो मींस ये सुपर कंडक्टर क्या है, डायमैग्नेट। रिलेटिव परमेबिलिटी और परमेबिलिटी ये जीरो है। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज टोटली एक्सपेल्ड। तो ये नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिपेल हो जाएगी, एक्सपेल कर दी जाएगी। Interestingly, this material is also a perfect conductor. तो ये जो डायमैग्नेट है, परफेक्ट डायमैग्नेट, ये परफेक्ट कंडक्टर भी है। तो परफेक्ट कंडक्टर मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। However, there exist no classical theory which ties these two properties together. अब क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कंडक्टर और डायमैग्नेट ये दोनों एक साथ कैसे हैं, मतलब डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी और परफेक्ट कंडक्टर की प्रॉपर्टी दोनों साथ साथ कैसे हैं, इसको क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी बाय बार्डिन, कूपर एंड शिफर, BCS थ्योरी बोलते हैं जिसको, एक्सप्लेन दीज इफेक्ट। तो उस थ्योरी के बेसिस पर ये इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है। The BCS theory was proposed in 1957 and was eventually recognized by Nobel Prize in Physics in 1970. तो उन्होंने अपनी ये थ्योरी 1957 में दी थी कि किस तरह से
कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है और फिर उसमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, परफेक्ट डायमैग्नेट बन जाता है। और उनकी ये थ्योरी रिकग्नाइज हुई और उनको 1970 में नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, 6 पॉइंट। डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स बट इट इज वीक एंड हार्ड टू डिटेक्ट इफ सब्सटेंस इज पैरा और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी सभी मटेरियल्स में होती है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाती? क्योंकि इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है वो नहीं एग्जिबिट होती। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी सभी मटेरियल्स में होती है, लेकिन ये बहुत वीक होती है, इसलिए पैरा और फेरोमैग्नेटिक में ये डिटेक्ट नहीं हो पाती। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी हैव क्लासिफाइड मटेरियल एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो अभी तक बच्चों हमने ये 3 टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े। हाउएवर देयर एग्जिस्ट एडिशनल टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, स्पिन ग्लास एटसेट्रा विद प्रॉपर्टीज विच आर एग्जोटिक एंड मिस्टीरियस। इनके अलावा बच्चों फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और स्पिन ग्लास ये भी कुछ मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज और इनका बिहेवियर मिस्टीरियस होता है, मीन्स ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के पॉइंट्स टू पॉन्डर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हों तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।